हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, और यह हिस्ट्री का आपका अंतिम चैप्टर होगा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप किसी भी आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं जहां हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, 10th क्लास में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने 90% पढ़ लिया है और 10% ही बाकी है, तो वो कदम पीछे कर लेते हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल न्यू होंगे और आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसके नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। तो यह कब की थी? यह 23 सितंबर 1600 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो है वह 23 सितंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय यानी 1600 में भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखना है आपको कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का मुगल सम्राट था अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी पूर्व के साथ, पूर्व में जो भी देश हैं उनके साथ, तो यह अनुमति दी थी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने दी थी? एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में अपनी स्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में अपनी स्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है सूरत में। नेक्स्ट है, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन स्थायी कोठी जो है वह उन्होंने 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कब किया था? अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कब किया था? इसका आंसर है 1644 ईस्वी में मद्रास में। क्वेश्चन 6 है, देखिए बहुत ही ध्यान से इनको पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर बाद में आप कहोगे कि हमने ये तो 10th तक पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं किस टाइप का आया। क्वेश्चन यही होते हैं, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाता है, तो आप इनके कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 6 है, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने चुंगी शुल्क मुक्त मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक यानी एक विशेष अनुमति पत्र होता है जारी करने का अधिकार दिया था? कब? 1717 ईस्वी में। तो वो मुगल बादशाह थे बादशाह फर्रुखशियर। इन्होंने अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी कि वे बिना चुंगी शुल्क चुकाए वह व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसका भी बहुत बड़ा फायदा उठाया था। उन्होंने ये दस्तक जो है खुद तो लिया ही था, और भी व्यापारियों को यह बांट दिया था, जिससे कि वो भी फ्री में बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर रहे थे। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में। देखिए, बंगाल में जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे अली वर्दी खां। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला है, वही इनसे थोड़े से ताकतवर थे, लेकिन वह भी मारे जाते हैं प्लासी के युद्ध में। तो यहाँ से प्लासी के युद्ध के लिए तैयारी भी अंग्रेजों ने कर ली थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो चुकी थी, तो 23 जून 1757 ईस्वी को, याद रखना है आपको डेट 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, प्लासी के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? प्लासी के बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया
मीर जाफर को। ये मीर जाफर ही था जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध जो है वह अंग्रेज जीत पाए थे। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। इसे वह कठपुतली की तरह यूज कर रहे थे। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया। तो मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया क्योंकि यह खुद की बुद्धि से काम ही नहीं करता था। तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो देखिए प्लासी का युद्ध याद रखना है आपको 1757 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, तो वह अपनी मर्जी से कार्य करने लगा था। इसी तरीके से कार्य करने की वजह से अंग्रेजों को मीर कासिम जो है वो पसंद नहीं आया और इनके बीच में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को कहाँ की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब प्लासी का युद्ध भी जीत जाते हैं, उसके बाद बक्सर का युद्ध भी जीत जाते हैं। तो जो अंग्रेजों का शासन है वो स्टार्टिंग जो है वो प्लासी के युद्ध से स्टार्ट होता है और यह चलता है 1947 तक, ठीक है, जब तक भारत भारत जो है वो आजाद नहीं होता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में तो उन्होंने शासन जमा ही लिया था, उसके बाद बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। यह युद्ध अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ था जिसमें 30,000 से भी ज्यादा मराठा मारे गए थे। क्वेश्चन 14, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य सूरत की संधि कब हुई। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को अपने साथ मिला लिया था। तो उन्होंने बताया था कि रघुनाथ राव तुम्हें पेशवा बना देंगे। तो इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, तो जिसे सूरत की संधि कहा गया। और यह सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी में हुई। इसके तहत अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और पेशवा जो है रघुनाथ राव यह अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग भी देगा। तो इस संधि में यह सब तय हुआ था। क्वेश्चन 15 है, सालाबाई की संधि कब हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सालाबाई की संधि कब हुई और किस किस के बीच में हुई। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध जिसे कहा जाता है उस समय हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स और माधवराज द्वितीय के बीच में। क्वेश्चन 16 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 ईस्वी तक। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और माधवराव द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ। बड़गांव की अपमानजनक संधि अंग्रेजों ने मराठों से कब की। तो बड़गांव की अपमानजनक संधि क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी क्षेत्र जीत लिए थे अंग्रेजों को वह मराठों को लौटाने पड़े, तो यह उनकी अपमानजनक संधि थी। 29 जनवरी 1779 ईस्वी में यह संधि हुई थी, बड़गांव की संधि, जिसके तहत अंग्रेजों ने विजित प्रदेश मराठों को वापस दिए और रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले कर दिया। क्योंकि रघुनाथ राव जो था ये अंग्रेजों के पक्ष में था, तो इसको भी पूना दरबार के हवाले कर दिया था। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष कब हुआ। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष कब हुआ, तो इसका आंसर है 1802 से 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 19, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजघाट की संधि कब हुई थी। तो मैंने इनको सभी को एक साथ लिख दिया है ताकि याद करने में आसानी होगी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसमें देवगांव की संधि जो हुई थी वह 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी, भोसले और अंग्रेजों के बीच में।
उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। राजघाट की संधि 1806 ईस्वी में हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो देखिए, इनको याद रखना है कि कौन सी संधि किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। क्वेश्चन 20 है, तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष कब हुआ? तो तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, अंग्रेजों के मराठा के साथ तीन युद्ध हुए थे, तो ये है तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। यह हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स और बाजीराव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? देखिए, दूसरे आंग्ल मराठा में हमने तीन संधियों के नाम देखे थे, इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी पुणे की संधि। ठीक है, याद रखना है। 22 क्वेश्चन, 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की। ठीक है, मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की, तो इसमें क्या तय हुआ था? इसमें तय हुआ था पेशवा पद की समाप्ति हो जाएगी और 8 लाख की पेंशन देकर पेशवा को बिठूर भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, हैदर अली ने कब मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीनकर मैसूर का राजा बना? तो हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज को पराजित किया और मैसूर के राजा बने। तो पराजित तो किया था उन्हें 1761 ईस्वी में और सत्ता छीन ली थी, उसके बाद 1766 ईस्वी में वह मैसूर के राजा बन गए थे। हैदर अली वैसे अनपढ़ थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उन्हें बहुत ही ज्यादा समझ थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। अब हम देख रहे हैं मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी और युद्ध कब हुए थे। देखिए, जो हमने आंग्ल मराठा युद्ध देखे वो तो हुए थे 3, इसके बाद अब हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध और यह युद्ध 4 होते हैं। 25, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधि कब हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो मंगलोर की संधि हुई वह हुई 11 मार्च 1784 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने एक दूसरे को जो भी प्रदेश जीते थे वो वापस दे दिए, और अंग्रेजों ने यह बात भी रखी कि वो आगे से मैसूर पर बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। अंग्रेज कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, 23 फरवरी 1792 ईस्वी में। टीपू ने ट्रावणकोर पर आक्रमण कब किया? देखिए, ट्रावणकोर जो था वो बहुत ही छोटा क्षेत्र था, इतना मजबूत भी नहीं था, फिर भी मैसूर पर उसने आग दिखाई और वहां पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रावणकोर इतना मजबूत नहीं था, तो इन्होंने आक्रमण करने की सोची क्योंकि अंग्रेजों ने इनका साथ दिया, अंग्रेजों ने उकसाया और ट्रावणकोर को टीपू पर आक्रमण करने के लिए कहा। फिर भी टीपू ने ट्रावणकोर पर आक्रमण किया और इसे भी हरा दिया, जो कि 1790 ईस्वी में आक्रमण करके इन्हें हराया था। क्वेश्चन 28, अंग्रेजों का मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए? देखिए, हमने अभी देखे अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का मराठा के साथ कितने युद्ध हुए थे? तो अंग्रेजों का मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंग्रेजों के मराठा के साथ 3 युद्ध हुए थे। तो ये पूछा भी जा सकता है कि कितनी बार युद्ध हुए थे, किस किस के बीच में। 1857 की क्रांति के बारे में सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या कहा था? 1857 की क्रांति, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो इसमें बहुत से विदेशी लोगों ने और भारतीय इतिहासकारों ने अपने मत दिए थे। तो सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को अपनी किस पुस्तक में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा भारत का स्वतंत्रता संग्राम। यह उन्होंने अपनी बुक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसमें उन्होंने उल्लेखित किया, भारत का स्वातंत्र्य समर, ये उनकी बुक का नाम था।
स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे? किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई? देखिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी, इसके बाद उनकी राजनीतिक नीति भी बन गई। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण, अंग्रेजों की साम्राज्यवाद विस्तार की नीति। तो हम लास्ट क्लासेस में 1857 की क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और आपने वहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपकी एक तरह की रिवीजन ही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो यहाँ सम्राट जो है वो बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया गया, जो कि जफर नाम से कविताएं भी लिखते थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? यह क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसे 31 मई जो है यह फिक्स की गई थी कि तब हम क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश यह पहले ही स्टार्ट हो गई 10 मई 1857 को। तो पूछा यदि जाए कि 1857 की क्रांति को शुरुआत करने की डेट कब रखी गई थी, तभी आप लिखेंगे 31 मई, लेकिन यह शुरू हुई 10 मई को। सितंबर 1857 की क्रांति में दिल्ली में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो वह अधिकारी था जॉन निकल्सन। नेक्स्ट है, किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्रों और एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी थी? देखिए, 1857 की क्रांति में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया गया, उनके दोनों बेटों और एक पोते की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी उनकी आंखों के सामने ही, और वह करवाई थी लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका नाम जो है वो विशेष याद रखना है, लेफ्टिनेंट हडसन। लखनऊ में अंग्रेज अधिकारी कौन था? लखनऊ में अंग्रेज अधिकारी था कैंपवेल। तो यदि आपने 8th या 9th क्लास को नहीं देखा है, जहां पर हमने 1857 की क्रांति को डिस्कस किया है, तो प्लीज वहां देखिएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन जो है उनमें अच्छे से लाइन बाय लाइन सभी चीजें जो है वह बताई गई हैं कि कहाँ पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी था और किस क्षेत्र को किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सभी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो विशेष तौर पे आपके सिलेबस का ही पार्ट है। क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहब को पेशवा पुनः कब घोषित किया? तो नाना साहब को पेशवा घोषित किया 5 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39, पेशवा नाना साहब का साथ किसने दिया? तो किसने दिया था नाना साहब का साथ? तो तात्या टोपे ने नाना साहब का साथ दिया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 40, लखनऊ में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज की हत्या की थी? लखनऊ में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज की हत्या की थी? आंसर है ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी की। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 41, झांसी पर अधिकार किस अंग्रेज ने किया? तो किस अंग्रेज ने झांसी पर अधिकार कर लिया था? सर हीरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया था। याद रखना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वह जब उनकी बात होती है 1857 की क्रांति में, तो वहां अंग्रेज अफसर था सर हीरोज। ठीक है, तो इसे याद रखना है विशेष तौर पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 42, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को। क्वेश्चन 43, तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी में किसने अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? तो तात्या टोपे, जिन्होंने नाना साहब का बहुत साथ दिया था, झांसी की रानी का भी साथ दिया था लक्ष्मीबाई का, उसके बाद 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के हवाले करा दिया था, पकड़वा दिया था। तो यह मान सिंह नरूका थे, उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। नेक्स्ट है, बनारस में हुई क्रांति को किस अंग्रेज अफसर ने दबा दिया था? तो यह कर्नल नील ने, बनारस में जो क्रांति हुई तो वहां इन्होंने क्रांति को दबा दिया था। क्वेश्चन 45, दक्षिण भारत में, हमने उत्तर भारत में जो 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ पर हुई थी और किसने नेतृत्व किया था, कौन सा अफसर जो है वो वहां मारा गया था, तो ये सभी जो है वो हम पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपके जो है थोड़े से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप इन्हें ऐड कर लें। दक्षिण भारत में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए,
यहाँ रंग बापूजी गुट्टे, ये थे सतारा में, सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगी व मौलवी सैयद, ये हैदराबाद में, भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक में, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर में, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श मद्रास, अरुणागिरी चिगलपुट में, मुलगावल स्वामी कोयम्बटूर में और विजय कुदारत केरल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं दक्षिण भारत में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व करता थे। तो यहाँ हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है और चैप्टर आपको पता है कि 10th क्लास में काफी बड़े हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।